हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 1, हाउ व्हेन एंड वेयर क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रू और फॉल्स। तो उसमें फर्स्ट है, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस। ठीक है, तो यहाँ पर जेम्स मिल ने जो है इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस में। तो फॉल्स है, ऐसा नहीं है। तो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था वो था हमारा हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, नॉट क्रिश्चियन। और फिर बी है हमारा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो हमें हेल्प करते थे ये समझने में कि हमारे देश के लोग जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। ठीक है, तो फॉल्स है। फिर नेक्स्ट वन इज, ब्रिटिश थॉट सर्वे वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स सर्वे मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो पर्टिकुलर ईयर में या 5 ईयर में सर्वे होता है। मीन्स कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितने किसी भी कंट्री में कितना विकास हुआ है। ठीक है, वो और फिर कितना सेक्स रेशियो है, मीन्स मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कितने बच्चे हैं, कितने युवा हैं। ठीक है, तो वही हमारा होता है सर्वे। ठीक है, सो हाँ, ये लोग ऐसा करते थे, इम्पॉर्टेंट था उनके लिए, तो ये सही बात है, ट्रू है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। तो क्या दिक्कत हुई जेम्स मिल ने जब इंडियन हिस्ट्री को ऐसे पर्टिकुलर पीरियड में डिवाइड करके ऑफर किया। ठीक है, सो आंसर है, जेम्स मिल थॉट दैट द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री कैन बी डन इंटू 3 पार्ट, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश हिस्ट्री, विच इज़ रॉन्ग बिकॉज अ वराइटी ऑफ फेथ अपार्ट फ्रॉम हिंदूज एंड इस्लाम एग्जिस्टेड इन द पीरियड कैटेगराइज एज हिंदू एंड मुस्लिम बाई मिल। इट लीड्स टू मेकिंग अदर एग्जिस्टिंग फेथ्स ऑफ इंडियन इन सिग्निफिकेंट रीजन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो है ना काफ़ी सारे धर्म के लोग होते हैं, लेकिन जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को केवल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, जबकि गलत है। इंडिया में काफ़ी अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, जो कुछ लोग उनमें से हिंदूज और इस्लाम दोनों को मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग अलग अलग सिंगल सिंगल धर्म को मानते हैं, मीन्स एक एक धर्म को। और फिर इस पीरियड में बहुत सारे लोग ऐसे भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जो मिल है उन्होंने उनको भी हिंदू और मुस्लिम में इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, तो जिससे जो फेथ है इंडियन सिग्निफिकेंट रीजन का, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, हमारा थर्ड, जैसे कि अगर आप देखोगे हमारा जो असम है, सिक्किम है, वो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। सो एक तरीके से देखें उनके लिए उन्होंने कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया था, तो वो लोग कहाँ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, Why did the British preserve official document? जो ब्रिटिशर्स होते थे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करते थे। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते थे वो लोग। आंसर है, द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिकॉज दे लाइक टू हैव परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, एग्रीमेंट एक्सेट्रा। दे बिलीव दैट थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड वंस वी हैड सच रिकॉर्ड। तो वो लोग ये सब ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वो लोग प्रिवेंट करते थे, उसको अच्छे संभाल कर रखते थे एज अ परमानेंट रिकॉर्ड, कि हमने कौन सा इंस्ट्रक्शन अप्लाई किया था, कौन सा प्लान था हमारा, कौन से एग्रीमेंट हुए हैं, कौन सी पॉलिसी जो है वो अप्लाई गई है। तो वो ऐसा सोचते थे कि इन सभी डॉक्यूमेंट को हमें एक साथ संभाल के अच्छे से रखना चाहिए और इन सभी रिकॉर्ड्स पे डिबेट भी होनी चाहिए। डिबेट मतलब होता है तर्क वितर्क की चर्चा। ठीक है, जिससे पक्ष और विपक्ष होते हैं तो उनमें ये इस मुद्दे पर चर्चा की जाए कि हाँ कितने हद तक सही है, गलत है, तो जिससे हमें अच्छा सा रिजल्ट मिले। सो क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम द फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे जो है जो हिस्टोरियंस पाते थे ओल्ड न्यूज़पेपर से और पुलिस की रिपोर्ट से, दोनों अलग अलग कैसे थी। ठीक है, सो आंसर है, द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर आर यूजली अफेक्टेड बाई द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ द रिपोर्टर, न्यूज एडिटर सेक्टर, बट वॉट हिस्टोरियन फाइंड इन पुलिस रिपोर्ट आर यूजली ट्रू और इलास्टिक। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में प्रिंट हो रही थी वो आसपास के लोग जो भी कुछ बोलते थे उन सभी की बातों पर, और फिर जो न्यूज़ रिपोर्टर हो रहे थे वो
जो कुछ व्याख्या करके बताते थे उस पर छपी थी, लेकिन जो हिस्टोरियंस थे उनको जो पुलिस स्टेशन से मिलता था रिपोर्ट में वो ट्रू होती थी, वो सत्य घटना होती थी कि मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या होता था, वो वहाँ से उन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती थी। सो फ्रेंड, ऐसे ही हमारे ज्योग्राफी, सिविक्स और हिंदी, इंग्लिश सभी के वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हैं, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इतनी मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।